ये दरगाह शरीफ लगभग 841 साल पुरानी है। जो आए अदब से जाए, इसका मतलब नीचे होने का मतलब झुक के जाए, अंदर जाए दरगाह पे और अपना मतलब अदब से जाए, अदब से ज़ियारत करे। पांच भाई थे ना, पांचों की मजा थी, तभी पांचों पीरन शरीफ, इसका नाम है पांचों पीरन शरीफ, दरगाह पांचों पीरन। ये हम तो समझते हैं हमारे आजा आवाजा पर पाजा के जमाने का मजार है जी। हजरत सैयद अलाउद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद महमूद बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो बुजुर्गान दीन हैं, ये दो सगे भाई हैं। जब जंग हुई थी तो काफी लोग शहीद हुए थे, उसी में सबकी मजारें बनी हुई हैं पूरा। कब्रों की ये खासियत देखिए, कब्रों के ऊपर एक छोटा सा डोम बना हुआ है। जब अकबर के बाद अकबर के किले में हम जाते हैं जो सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में मौजूद है, अकबर की जो कब्र है उसके ऊपर भी छोटा सा डोम बना हुआ है। सेम वैसे ही डोम शाहजहाँ की कब्र पर है, वैसे ही डोम देखिए इन दो कब्रों के ऊपर मौजूद है। और हम देखते देखते हम भी मरने कगार पे आ गए हैं। हमारे दादा थे, हमारे दादा के परदादा आजा सब के ज़माने, और छोटी छोटी ईंटों से ही मज़ार बनी हुई है। 23, 24, 25 साहबान को बाबा का मतलब शहीद हुए थे, उसी टाइम से 24 तारीख को कुल शरीफ होता है। दिल की आप कोई भी चीज़ मांगना चाहते हो तो यहाँ से आपका वो मसला हल हो जाता है। यहाँ कोई भी बुरा दो जायज़ बात रखो आप, तो आपकी सब यहाँ कबूल हो जाएगी। जायज़ बातें रखो, जैसी भी हो, नाजायज़ नहीं। उन्होंने बताया कि यहाँ लश्कर आता है घोड़ों का, सफ़ेद ड्रेस में सरकार आते हैं, है ना, लोगों ने देखा। अब नाग पंचमी पड़ती है, उसके बाद जो जुमरात पड़ती है बृहस्पतिवार, उसी को सावनी मेला मनाया जाता है। सावनी मेला में लाखों की भीड़ होती है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ही ये मतलब है, ये मेला लगता है, उसमें लाखों की भीड़ होती है, आप यहाँ पे कहीं पैर रखने की जगह नहीं रहती। नमस्कार, मैं हूँ खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। आज बात सुल्तानपुर के उस करिश्माई दरगाह की, जहां जियारत करने वालों का खुद ब खुद सिर झुक जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज तक उस दर से कोई भी खाली नहीं गया है, हिंदू हो या मुसलमान, सभी मुरादें यहीं से पूरी होती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के पांचों पीरन दरगाह की। सुल्तानपुर के अपने सफ़र में चलते हुए और यहाँ पर टहलते घूमते हुए हम पांचों पीरन इलाके में पहुँच गए हैं। यहाँ पर जो दरगाह है बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की, वो बहुत ही मशहूर दरगाह है। ये मेरे पीछे वही गेट है जो उस दरगाह की तरफ जाता है, इस पर देखिए साफ तौर पर लिखा हुआ है दरगाह पांचों पीरन शरीफ बल्खी नगर सुल्तानपुर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दो बहुत ही बुज़ुर्ग लोगों की दरगाह है, जहाँ पर हर तरह की मुरादें पूरी होती हैं। हर मज़हब का आदमी यहाँ पर आता है, मन्नतें मांगता है, मुरादें मांगता है, और अगर उनकी जो भी जायज़ मुरादें होती हैं वक्त पर पूरी होती हैं, जिसके बाद लोग यहाँ पर चादर चढ़ाते हैं और शीरनी चढ़ाते हैं। साथ ही यहाँ पर सालाना उर्स भी होता है, जिसको लेकर लोग काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं। इस क्या है इस दरगाह की सच्चाई और क्या इस दरगाह से जुड़ा हुआ इतिहास, इसके बारे में आज हम आपको हर एक चीज़ से रूबरू करवाएंगे। तो चलते हैं इस दरगाह के सफ़र पर, आइए। हम इसे सुल्तानपुर में बहुत ही अजीम और बहुत ही मशहूर दरगाह पर मौजूद हैं। इस दरगाह का नाम है दरगाह पांचों पीरन। इसके बहुत सारे एक इतिहास भी एक जुड़ा हुआ है, बहुत सारी परंपराएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस दरगाह पर जो भी लोग आते हैं, जो भी मन्नतें मानी जाती हैं, वो सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। उस लिहाज से इस दरगाह की मान्यता हिंदू और मुस्लिम मज़हब सभी में बहुत ज़्यादा है। अब और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है मौके पर जो है मोहम्मद सलमान मौजूद हैं, हम इनसे आगे की जानकारी लेंगे आखिर क्या है इस दरगाह की खासियत और क्या है लोगों के बीच इस दरगाह का वजूद। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या खासियत है इस दरगाह? दरगाह शरीफ पे हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं यहाँ पे, और तमाम मतलब मन्नतें मांगते हैं उनकी पूरी भी होती है। इसी वजह से हर जुमरात को लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और जहरीन अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूरी होती है। ये दरगाह शरीफ लगभग 841 साल पुरानी है। अच्छा, 841 साल पुरानी है और गौरी बादशाह उन्हीं के टाइम के ये निर्माण है, दरगाह शरीफ बनाई गई है। अच्छा, पहले भी दरगाह इतनी बड़ी थी या बाद में इसको डेवलप किया? नहीं, पहले से ही है, जो है उसी टाइम का बना हुआ है। बाकी बाउंड्री वाल थोड़ा बहुत बना हुआ है, बाकी ये सब पुराना ही है पूरा। मतलब ये जो पीछे स्ट्रक्चर है, ये गुंबद जो है और ये दीवारें जो इसकी, ये ताक है, ये गेट, ये सब वही उसी जमाने गेट वोट बदला गया है। मान लीजिए गेट जो नया है, यही गेट बदला, बाकी ये सब उसी टाइम का पूरा है। अच्छा, अमूमन दरगाहों पे या मस्जिद में जो दरवाजे होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे या
मतलब कम से कम 6 फीट ऊंचे होते हैं। अच्छा, इसकी हाइट इतनी कम क्यों रखी गई है जी? उसी टाइम का बना हुआ, हमको भी नहीं पता, लेकिन उसी टाइम से ऐसे ही है जैसे है इस टाइम। मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ये जब आपने हो संभाला, जो आए अदब से जाए, इसका मतलब नीचे होने का मतलब झुक के जाए, अंदर जाए दरगाह पे, और अपना मतलब अदब से जाए, अदब से ज़ियारत करे अपने बाहर। अच्छा, दरगाह के अंदर जो आस्थाने में दाखिल होने के कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं, एक इधर से जाने का, एक निकलने का। अच्छा, ये जाने का है, ये कौन सी दिशा बैठेगी? ये पूरब है। पूरब दिशा से जाना है और दक्षिण से वापस। हाँ, दक्षिण। अच्छा, लोग मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो कुछ खास यहाँ पर चढ़ाया जाता है ऐसा कुछ? जी, चादर चढ़ाते हैं, सिरनी लाते हैं, मिठाई लाते हैं, खुरमा यहाँ बिकता है, लैची दाना बिकता है, सेहरा लाते हैं, बाबा के यहाँ चढ़ाते हैं, और अपना जो चंदा देना है जाए चिरागी तौर पे गले में डालते हैं लोग अपना अपना, जैसे पूर हो जाता है। और तमाम मान्यता, जैसे किसी की मान्यता पूरा हुआ, अभी एक लोग फ्रीजर लगवाए हैं, एक एसी लगाए हैं अंदर, ऐसे ऐसे होता है, जिस जो जैसे रहता है अपना हिसाब से लाता रहता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि दो मज़ारे हैं अंदर, तो दोनों जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में कुछ? जी जी, हजरत सैयद अलाउद्दीन बल्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद महमूद बल्की रहमतुल्लाह अलैह, ये दो बुजुर्गान दीन हैं, ये दो सगे भाई हैं। अच्छा। जी, नेकी हैं। तो ये मतलब शहादत इनको जी, जंग हुई थी। जी, जंग हुई थी, उसी में शहीद हुए थे। अच्छा। तभी नहीं तो ये मतलब यही हिंदुस्तान के रहने वाले थे या बाहर से? दूसरे मुल्क से, दूसरे किसी मुल्क से? जी जी जी। अच्छा, और क्या है इस दरगाह में और अगल बगल जैसे कुछ नहीं? जी, इनके साथ में जैसी वो जगह है वो थोड़ा सा हम लोगों को दिखाएं जो हमारे दर्शक देखना चाहें और जानना चाहें, वो सामने क्या बना हुआ है? जी, ये जो आपिस है मतलब दरगाह शरीफ के इंतजामिया से जुड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना देख रेख करते हैं। जी। अच्छा, एक छोटी सी वो कब्र सामने दिखाई दे रही है, वो क्या है उसका मसला? जी, वही बाबा के साथ में थे लोग। अच्छा। जब जंग हुई थी तो काफी लोग शहीद हुए थे। हाँ। उसी में सबकी मजारें बनी हुई हैं पूरा। अच्छा, ये बच्चे भी शहीद होंगे, उसकी भी मजारें इसी है। अच्छा, ये उसी वक्त से? उसी वक्त से है। ऐसा नहीं कि मतलब सज्जादा नशीन यहाँ के उनके जो नहीं, नहीं। मतलब जो उनकी नस्ल गुजरी तो उनको यहाँ दफन किया गया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं? मतलब ये जितनी भी कब्रें हैं सब बाबा के साथ में? हाँ, मुनि के साथ में। जी, गौरी बादशाह के द्वारा बनाई गई कुछ कब्रें हैं। जी जी, कैमरा मैन से कहना चाहूंगा वो दिखाएं यहाँ पे, ये भी उसी जमाने, उसी जमाने की सब उसी। अच्छा, इस कब्रों की ये खासियत देखिए, कब्रों के ऊपर एक छोटा सा डोम बना हुआ है। जब अकबर के पास, अकबर के किले में हम जाते हैं जो सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में मौजूद है, अकबर की जो कब्र है उसके ऊपर भी एक छोटा सा डोम बना हुआ है। सेम वैसे ही डोम शाहजहाँ की कब्र पर है, वैसे ही डोम देखिए इन दो कब्रों के ऊपर मौजूद है। इन कब्रों के ऊपर भी वैसे ही उस तरह से डोम मौजूद है। अच्छा, अकबर की जो वो कब्र थी उसमें जो मकबरे में आप जब सिकंदरा में एंट्री करते हैं उस दरवाजे को भी ऐसा डेवलप किया गया, जब आप अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका सर झुक जाता है। तो वो उसी तरह का कुछ साइंटिफिक तरीका जो है इस दरगाह पर भी जोड़ा गया है, इख्तियार किया गया है, यहाँ पर भी उसी तरह से दरवाजे को कुछ नीचा किया गया है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो इस तरफ जो जगह है दरगाह के बाईं तरफ, उसमें क्या है? उधर रैन बसेरा बहुत बना हुआ है, जैसे लोग जाहरीन आए अपना रुकें, और बाकी वजू खाना बना हुआ है, वजू करने कुआं था पुराना उसी पे टंकी बन गया है, और चारों तरफ टोटी लग गई वजू करने के लिए बना है, फ्रीजर लगा हुआ है। अच्छा। और आवामी कब्रिस्तान है, जैसे गांव के लोग जो मतलब इंतकाल हो जाता है उनकी मिट्टी के लिए हमें कब्रिस्तान है, पूरा बड़ा सा है, पूरा उसका बाउंड्री वाल इधर इंतजामिया द्वारा कराया गया है, मुतवल्ली द्वारा, दरगाह मुतवल्ली अकबर अली खान साहब हैं यहाँ के मुतवल्ली जी, उन्हीं की देख रेख में पूरा यहाँ का इंतजाम होता है सब। 23, 24, 25 साहबान को बाबा का मतलब शहीद हुए थे, उसी टाइम से 24 तारीख को कुल शरीफ होता है, 24 को मतलब गागर चादर कुल शरीफ साहबान सुबरात की 24 तारीख को मतलब उर्स हर साल मनाया जाता है। सज कर बुरा के अनवर दरवाजे पर खड़ा है। इसी दरगाह का जायजा लेते हुए एक हमारी मुलाकात जो है एक ऐसे शख्स से हुई है जो यहाँ के रिहायशी हैं और उनको काफ़ी कुछ जानकारी इस दरगाह के बारे में, और हम चाहेंगे कि वो अपनी जानकारी को आम जनता तक और हमारे दर्शकों तक शेयर करें। अच्छा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, ये बताइए आप कब से इस दरगाह पर आते जाते हैं? मेरा यहीं घर था, यहीं मजार के पास पीछे हमारा घर था, और ये आज का मजार नहीं है,
ये हम तो समझते हैं हमारे आजा वाजा परपाजा के जमाने का मजार है। लखौरी 846 साल लगभग 41 साल इसको हो गया, और हम देखते देखते हम भी मरने कगार पे आ गए हैं। हमारे दादा थे, हमारे दादा के परदादा आजा सब के ज़माने, और छोटी छोटी ईंटों से ही मज़ार बनी हुई है। और ये ऐसी मज़ार है कि यहाँ जो भी आप जायज़ दिल की आप कोई भी चीज़ मांगना चाहते हो तो यहाँ से आपका वो मसला हल हो जाता है। बड़ा से बड़ा मुकदमा हो, कोई भी चीज़ हो, मगर जायज़ वाली बात हो तो सब आपके यहाँ पूरा होता है। ये पांच भाई थे, पांच जगह देखिए, एक यहाँ पर हैं, एक नानू शहीद बाबा हैं, आछे शहीद बाबा, पांच भाई गालब शहीद में हैं। ये पांच भाई थे पहले भी, यह घोड़ा का बिजनेस सौदागर थे और हक हलाल का पैसा वो खाते थे और किसी के नहीं। अच्छा, इसी वजह से इस जगह का नाम पांचों पीर, पांचों पीर रखा गया। पांच पांच भाई थे ना, पांचों की मजार थी, तभी पांचों पीरन शरीफ, इसका नाम है पांचों पीरन शरीफ। अच्छा। दरगाह पांचों पीरन है ना, ये कस्बा सुल्तानपुर। और भाई साहब यहाँ बता रहा हूँ कि ये ऐसी मजार की हम कितनी तारीफ करूँ भाई साहब का, मैं अल्लाह जानता, मैं अल्लाह गवाह करके मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसी मजार आप हम क्या बताएं। हाँ हाँ भाई साहब, जो भी दिल से आप दुआ मांगे मगर जायज़ आपकी सब कबूल होगी। और हम तो देखते देखते चले आ रहे हैं भाई, आज से नहीं, हमारे आजा दादा परपाजा सब। अच्छा, ये जैसे कि कौन कौन से मजहब के लोग यहाँ थे, क्या किस तरह की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं? यहाँ कोई भी मुराद हो, जायज़ बात रखो आप, तो आपकी सब यहाँ कबूल हो जाएगी। जायज बातें रखो, जैसी भी हो, नाजायज नहीं। ये ऐसी मजार है। बुला रहा है सरकार, हुक्म हो तो हाजिर करूं सवारी, सरकार हुक्म हो तो हाजिर कर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।